हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस दिस इज रंजन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मॉड्यूल नंबर टू के लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ आ गया हूं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरल कंबाइंड एसी सर्किट्स तो कंबाइंड एसी सर्किट्स के क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है उसके लिए आप चाहें तो सबसे पहले आप सीरीज और पैरेलल के इंडिविजुअल के जो क्वेश्चंस होते हैं इंडिविजुअल के जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हुए थे आप उसको पहले रीड कर सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं और फिर आप इस वीडियो पे आ सकते हैं या अगर आपने उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ उसके बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तब आप मेरे साथ डायरेक्टली इस वीडियो पे बात कर सकते हैं डायरेक्टली इस वीडियो पे आप मेरे साथ रह सकते हैं इस वीडियो के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं तो डायरेक्टली मैं आपको सीधे सीधे लेके जाऊंगा सीरीज पैरेलल कंबाइंड एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल पे और एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में लिखता हूँ रीड करूंगा समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे तो आइए लिखता हूँ मैं आपके लिए सीरीज पैरेलल कंबाइंड एसी सर्किट के क्वेश्चन तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिख रख रखा हुआ है इसको कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन ऑफ सीरीज पैरेलल एसी सर्किट रीड करता हूँ मैं क्विकली आपके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है डिटरमाइन द करेंट ड्रॉन बाय द गिवन नेटवर्क एट अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ टू हंड्रेड वोल्ट ऐसा लिखा हुआ है इफ अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ टू हंड्रेड वोल्ट इज प्रोवाइडेड टू दिस गिवन नेटवर्क तो बताइए कि इस सेक्शन के अंदर करंट कितनी जा रही है यानी कि इस ओवरऑल सर्किट में सप्लाई करंट आई आर एम एस की वैल्यू आपसे पूछी गई है ठीक है और आपको जो वैल्यू गिवन है टू हंड्रेड वोल्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ फिफ्टी हर्ट और इंडिविजुअली तीन अलग अलग branches connected दो ब्रांचेस कनेक्टेड है जुड़े हुए हैं और इनका कॉम्बिनेशन किसी एक ब्रांच के साथ सीरीज में लगा हुआ है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है तो फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है इसमें बस आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन करंट फाइंड आउट करने के लिए अगर आप ओम्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पे आइज इक्वी बाई जेड करते हैं तो वी की वैल्यू तो गिवेन है टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं तो सीरीज का सीरीज में जो भी क्वांटिटीज है आप उनके को एक साथ ऐड कर सकते हैं और पैरेलल का concept, जो भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं आप उसका इंडिविजुअल ब्रांच निकाल लिए और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कीजिए तो दोनों ही की जरूरत पड़ने वाली है तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे सबसे फर्स्ट थिंग सल्यूशन सोल्यूशन में हम लोग गिवन वैल्यूज पे आते हैं तो गिवन में वी आर एम एस टोटल इज गिवन एज टू हंड्रेड वोल्ट एट फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्ज ठीक है अब मैं एक काम करने वाला हूँ कि मेरे पास जो ये तीन ब्रांचेज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं इसको मैं इंडिविजुअली नेमिंग कर देता हूँ इनकी ने मैं नेमिंग करूंगा प्रॉपरली तो नेमिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि मुझको पता चलेगा कि मैं कब किस ब्रांच की इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैंने अपने, अपने अकॉर्डिंग नेमिंग कर दिया जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री ठीक है ये तीन ब्रांच मैंने बना लिया अब तीनों ब्रांचेस की जो इम्पिडेंसेज हैं जेड वन जेड टू जेड थ्री जैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर अब उसको मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ तो सबसे पहले लिखूँ ब्रांच ठीक है ब्रांच वन फोर ओम सिक्स ओम देखिए इंडक्टर लगा हुआ है दैट वो मुझको गिवन है, है. है अगर कैपेसिटेंस गिवन होता तो फैरड लिखा होता तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते थे और सेम वे में यहां पे ब्रांच थ्री में एक्सएल की वैल्यू गिवन है टेन ओम्स तो मुझको यहाँ इंडिविजुअली ब्रांचेस की कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपने इंडिविजुअल ब्रांचेस के लिए किया हुआ था जब पैरल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि हमारे पास एक्ससी की नहीं सी की वैल्यू कैपेसिटेंस की, की वैल्यू गिवन है तो हमको यहाँ गिवन में लिख के फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ा एक्ससी में लेकिन यहाँ वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है तो ये करने की जरूरत नहीं है तो हम लोग अब सीधे सीधे आते हैं सल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सल्यूशन वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल इंपिडेंस टोटल इंपिडेंस ऑफ नेटवर्क ठीक है तो सीरीज पैरल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको टोटल इंपिडेंस फाइंड करना है जेड टोटल सो दिस शुड बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्किट जेड वन प्लस विद जेड थ्री ये तो सीरीज में है लेकिन किसके साथ इन दोनों के पैरल कॉम्बिनेशन के साथ तो हमको सबसे पहले इनका पैरल कॉम्बिनेशन क्या है वो फाइंड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको जेड वन के साथ सीरीज में सॉल्व करना है हैविंग so, सबसे पहले तीनों ब्रांच इंपिडेंस की वैल्यू अलग अलग सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है तो ब्रांच इंपिडेंस इज इक्व टू अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्कवायर ब्रांच इंपिडेंस इक्व टू अंडर रूट टेन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर एंड ब्रांच इंपिडेंस जेड थ्री शुड बी इक्वस टू अंडर रूट सिक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अब जल्दी से मैं तीनों की को सॉल्व करके आपको बताता हूं तो इनकी वैल्यूज हो जाएगी सबसे पहले z1 वन दट इज फोर स्क्वायर अंडर रूट में प्लस स्क्वायर सो दिस इज टू सेवन पॉइंट इन द सेम वे ब्रांच टू के लिए मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ट्वेल्व स्क्वायर दैट इज इक्व टू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स टू जीरो ओम्स और ब्रांच थ्री में मैं लिखने वाला हूं अंडर रूट सिक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एंड दिस 11.661 इलेवन तो मेरे पास इंडिविजुअल कैटेगरी पर्टिकुलर तरीकों से मुझको सॉल्व करना है तो Z टोटल टू Z1 वन दैट इज प्लस पैरेलल ऑफ Z2 एंड Z3 दिस शुड बी टू फिफ्टीन पॉइंट टू जीरो इन डिवाइडेड बाई

आ गया है 6.676 ओम्स एंड नाउ जेड टोटल तो सो 6.676 पॉइंट प्लस सेवन एंड नाउ माय वैल्यू ऑफ जेड टोटल इज 13.887 ओम्स ठीक है ये जेड टोटल की वैल्यू आ गई अभी हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ I total, I RMS, so it should be I RMS is equals to V RMS by Z total. V RMS देखो हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 200 अपॉन 13.887 and therefore I RMS is equals to 200 upon 13 वैल्यू हमको जो फाइंड आउट करने को बोला हुआ था क्वेश्चन में ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हुआ तो simple है तो सिंपल सा ओम्स लॉ है इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप इंपिडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों के ही कंसेप्ट लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी इन दोनों के कंसेप्ट के बेसिस पे आपके पास जो जेड टोटल आएगा उसको आप फिर अगेन ओम्स लॉ यूज करके आई आर एम एस के फॉर्मुले में पुट करके ये पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं सेम क्वेश्चन को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में सॉल्व भी कर सकते थे रेक्टेंगुलर फॉर्म में वैल्यू पुट कर सकते थे जैसे आप चाहते तो यहाँ एक्सेल की जगह पे प्लस जे टेन ओम्स और एक्सी की जगह पे प्लस माइनस जे ट्वेल्व ओम्स लिख के और यहाँ की एक्सेल की जगह प्लस जे सिक्स ओम्स लिख के भी आप इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बस ये है कि जो वैल्यूज आपको इससे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिल रही है अब ये उस कंडीशन में ये वैल्यूज आपको पोलर फॉर्म में निकालनी होती दैट इज मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू देयर फेस डिफरेंस एंगल्स ठीक है तो ये दोनों ही तरीके हैं आप चाहे तो दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं अगर सपोज इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम का कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा यहाँ पे फिर तीनों इंडिविजुअल ब्रांचेस के लिए आपको सेपरेटली ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी दैट इज वी एम वन आई एम वन एंड फाइव वन फॉर फर्स्ट ब्रांच वैसे ही सेकेंड ब्रांच के लिए भी आपको फाइंड करना पड़ेगा वी एम टू आई एम टू एंड फाई टू और थर्ड ब्रांच के लिए फाइंड करना पड़ेगा वी एम थ्री आई एम थ्री और फाई थ्री ये इतनी क्वांटिटीज आपको इंडिविजुअली फाइंड आउट करनी पड़ेंगी उसके बाद ही जाके आप फेज़र ड्रॉ कर सकते हैं तो पैरल के कंडीशन में जैसे हम लोगों ने फेज़र ड्रॉ किया हुआ था एक्जैक्टली exactly सेम तरीके से आपको फेजर ड्रॉ करना है यानी इंडिविजुअली पहले वी एम वन वी एम टू और वी एम थ्री को ट्रेस करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आई एम वन टू और थ्री लीड और लैग कंडीशन देखते हुए उतने फेज डिफरेंस एंगल के साथ आप उसको ट्रेस कर सकते हैं ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ इस सेकेंड क्वेश्चन के अंदर मैं आपको विथ फेजर सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन अभी तो आपने सिर्फ अप्रोच सीखा हुआ है कि सीरीज पैरल का अप्रोच करना कैसे अब सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें फेजर डायग्राम के साथ और रिक्वायर्ड बेसिक क्वांटिटीज के साथ कैसे आप सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू फॉर सीरीज पैरल कंबाइंड एसी सर्किट तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया हुआ था आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन जो था आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए था सेकंड वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें हम लोग थोड़ी सी और ज्यादा वराइटीज देखने वाले हैं तो आइए देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने कौन कौन सी वैल्यू उसको इंक्लूड किया हुआ है पहले रीड कर लेता हूं मैं क्वेश्चन आपके लिए विद रेफरेंस टू द नेटवर्क गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है टोटल इम्पिडेंस ऑल ब्रांच करेंट्स पावर फैक्टर है देखिए तीन अलग अलग, अलग ब्रांचेस का नेटवर्क है ये फर्स्ट ब्रांच इज है सेकेंड ब्रांच इज हैो फैरिट्स ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड a ऑफ टू फिफ्टी वोल्ट फिफ्टी हर्ट्स ठीक है इस कंडीशन में हमको ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ठीक क्वेश्चन में मैंने दो तीन चीजें और अप कर दी हैं ताकि आपको जितनी भी वराइटीज हो सकती हैं वो सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाए ठीक है तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है तो सबसे फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई करते हैं हमको वैल्यू चाहिए टोटल इंपिडेंस की तो अगर आपको टोटल इंपिडेंस निकालना है तो आपने जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो देखा हुआ है इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है तीनों ब्रांच को आइडेंटिफाई किया और देखा कि जो पैरल में पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज सर्किट के साथ सीरीज सीरीज में है वाले पोर्शन के साथ तो सेम यहां पे भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ब्रांचेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कौन किसके साथ पैरल है और कैसे सॉल्व करना चाहिए तो सबसे पहले ब्रांच इंपिडेंस मैंने कर लिया कि ये पूरा फर्स्ट ब्रांच है तो ब्रांच इम्पिडेंसड वन दिस कैन बी आवर सेकेंड ब्रांच सो ब्रांच इंपिडेंसड टू दिस कैन बी अवर थर्ड ब्रांच ब्रांच इंपिडेंस इज जेड थ्री तो अब मैं यहां बोल सकता हूं कि अगर मुझको टोटल इंपिडेंस चाहिए फॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट सो टोटल इम्पिडेंस दैट इज जेड टोटल इज इक्व टू देखिए जेड वन जुड़ा हुआ है सीरीज में लेकिन किसके साथ जेड टू और जेड थ्री के पैरल कॉम्बिनेशन के साथ सो आई विल राइट जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री बाई जेड टू प्लस जेड थ्री यानी कि इनका पैरल कॉम्बिनेशन ठीक है तो अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच सबसे पहले मुझको z1, z2 और z3 की इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी ठीक है तो अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा तो इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करने के लिए x की वैल्यू चाहिए दैट इज रिएक्टेंस चाहिए तो अगर मुझको रिएक्टेंस पता ही नहीं है तो मैं इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूं तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और जब आप गिवन लिखेंगे तो आप यहीं पे क्वांटिटीज को रिएक्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर आपको एक्स एल की वैल्यू चाहिए फर्स्ट ब्रांच में तो एक्सएल इज इक्वस टू ओमेगा एल दैट इज इक्व टू टू पाई एफ एल ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं टू पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिफ्टी हर्ट गिवन है

जीरो पॉइंट फाइव हेनरी इसे भी कन्वर्ट कर लूंगा टू पाई इंटू फिफ्टी इन टू जीरो कंडीशन में रिएक्टेंस की वैल्यू मिल गई मुझको इंडक्टिव रिएक्टेंस की और सेम वे में xc निकाल लेता हूं दैट इज वन अपॉन टू पाई एफ और देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रो फेरेट्स में गिवन है तो इसको मैं लिखूंगा टेन इन रेस टू द पावर माइनस सिक्स फैर ठीक है तो इसे भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन टू पाई एफ इन टू टेन इंट टेन रेस टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स ठीक है So, इसकी वैल्यू मिल गई Z3 की वैल्यू सॉरी XC की वैल्यू थ्री वन एट थ्री पॉइंट ठीक है तो ऐसा करके हम लोगों ने एक्सएल एक्सएल वन एक्सएल टू और एक्ससी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो अब देखते हैं जेड वन कैसे निकालेंगे तो जेड वन इज इक्व टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर दट इज हंड्रेड स्क्वायर प्लस एक्सएल वन का स्क्वायर तो एक्सएल वन की एक काम करता हूं मैं सीधे डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट कर लेता हूं, ohms, तो उससे इजीली यहां पे भी लिख दूंगा वैल्यू थ्री वन फोर पॉइंट ओम्स ठीक है इसका स्क्वायर तो देखते हैं जेड वन की वैल्यू कितनी आती है हंड्रेड स्क्वायर प्लस थ्री वन फोर पॉइंट वन फाइव 3.14.15 स्क्वायर सो दिस वैल्यू इज 3.145.739 वन फोर फाइव सेम वे में Z2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं Z2 की वैल्यू तो इसमें आपको अंडर रूट और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है वो तो डायरेक्टली आपने निकाला हुआ है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख लेते हैं इट शुड बी 157.079. ओम्स और Z3 की वैल्यू 3183.098 ओम्स ठीक है तो हमारे पास Z1, Z2, Z3 तीनों इम्पिडेंसेस सेपरेटली कैलकुलेट हो चुके हैं ठीक तो अब इन वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग आगे अप्रोच करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर और देखेंगे कि ओवरऑल नेट इम्पिडेंस इस पूरी सर्किट का कितना आने वाला है ठीक तो नेट इम्पीडेंस जेड टोटल शुड बी इक्व टू जेड Plus parallel combination of Z2 and Z3. So this should be 3145.739 plus 157.079 into 3183.098 upon 157.079 plus 3183.098. Income parallel combination. ठीक है तो जैसा कि बोर्ड में फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्जेक्टली सेम तरीके से सेम ऑर्डर में हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर लिया हुआ है सॉल्व कर लेते हैं चलिए जल्दी से क्विकली सारी वैल्यूज को सो इट शुड बी वन फिफ्टी सेवन पॉइंट जीरो सेवन नाइन इंटू थ्री वन एट थ्री पॉइंट जीरो नाइन एट अपॉन वन फिफ्टी सेवन पॉइंट जीरो सेवन नाइन प्लस थ्री वन एट थ्री पॉइंट जीरो नाइन एट Three one four five point seven three nine plus yeju value I have one forty nine point six six zero ohms and therefore Z total is equals to one forty nine point six six zero plus three one four five point seven three nine that is three two nine five point three double nine ohms. ठीक है, तो यहां से मिल गई हमको Z टोटल की वैल्यू ठीक है तो टोटल इंपिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आगे बढ़ते हैं next part पे. इस क्वेश्चन में जैसा पूछा हुआ है individual branch currents, तो दो ब्रांच करेंट्स और एज्यूम कर लेते हैं आई आर एम एस टू और थर्ड इज आई आर एम एस थ्री ये तीन ब्रांच करंट मैंने अज्यूम कर लिया तो so, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको ब्रांच करंट फाइंड आउट कैसे करना है आप देखिए टोटल इंपोर्टेंस आपके पास है टोटल सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू आपको पता है तो क्या आप टोटल सप्लाई करंट निकाल सकते हैं आई टोटल इज इक्वल टू वी आर एम एस टोटल बाई जेड टोटल ठीक है सेकेंड पॉइंट में जो आपको पूछा हुआ है ब्रांच करेंट्स ब्रांच करेंट्स ठीक तो ब्रांच करेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहला अप्रोच तो ये करते हैं कि आई आर एम एस टोटल निकाल लेते हैं और जो आई आर एम एस टोटल होगा वही आई वन भी होगा दैट इज आई आर एम एस वन तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए वी आर एम एस टोटल है हमको टू फिफ्टी वोल्ट पुट कर देते हैं यहां पे टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई जेड टोटल दैट इज थ्री टू नाइन फाइव पॉइंट थ्री डबल नाइन ठीक है तो आई आर एम एस वन की वैल्यू आ गई ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन फाइव एम ठीक है तो ये आई आर एम एस वन आ गया दैट इज़ आई आर एम एस टोटल अब अगर मैं इस पार्ट के अंदर जाऊँ तो यहाँ मैं देखता हूँ करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है मुझको अगर करंट चाहिए तो मेरे पास सिर्फ इम्पिडेंस की वैल्यू अवेलेबल है लेकिन वोल्टेज नहीं पता ब्रांच के तो अगर दो अननोन क्वांटिटीज होंगे तो किसी हाल में हम लोग करंट नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक काम करते हैं अगर सपोज़ मैं Z2 और Z3 को एक साथ पैरल में सॉल्व कर दूं तब ये एक सिंगल ब्रांच बन जाएगा और अगर ये एक सिंगल ब्रांच होगा तो इसके अंदर से जाने वाली करंट भी उतनी ही होगी जितनी ब्रांच वन से जा रही है सेम करंट विल फ्लो थ्रू देयर कॉम्बिनेशन तो मैं एक काम करता हूं सबसे पहले मैं बना लेता हूँ जेड पैरल ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इनका पैरल कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इसकी वैल्यू आई थी वन तो मैं लिख लेता हूँ जेड पैरल तो यही होगा वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो अगर ये जेड पैरल होगा तो इसके थ्रू आई पैरल यानी इसके थ्रू जाने वाली करंट वही होगी जो टोटल करंट है पूरी सर्किट की शुड बी इक्वल टू आई आर एम एस टोटल या आई आर एम एस वन जिसकी वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव और ऐसा करके मैं इनके अक्रॉस की जो वोल्टेज है वी पैरल

Is to volts. तो अब ये की वोल्टेज आ गई अगर सपोज इस पैरल कॉम्बिनेशन को मैं फिर से सेपरेट कर देता हूँ तो बींग पैरल सर्किट दोनों सेक्शन की वोल्टेज सेम होने वाली है दैट मीन्स अब मेरे पास वी आर एम एस टू और वी आर एम एस थ्री की वैल्यू आ जाएगी इलेवन पॉइंट टू टू फोर वोल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि कैसे जब आपको उस सर्किट के अंदर दो पैरल ब्रांचेस की दो क्वांटिटीज अननोन है और एक ही क्वांटिटी पता है तो उस कंडीशन में कैसे आप दोनों क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम लोगों ने क्या अप्रोच किया दोनों ब्रांचेस को मर्ज करके हम लोगों ने पहले सिंगल ब्रांच बनाया जैसे ही सिंगल ब्रांच बनाया उसके थ्रू ट्रैवल करने वाली करंट सेम करंट हो गई जो सप्लाई टोटल करंट थी तो अब उस करंट और उनके पैरल कॉम्बिनेशन के टोटल इंपिडेंस का यूज़ करके हम लोगों ने इंडिविजुअल फिर सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट किया और फिर जब उस ब्रांच को वापस अनमर्ज किया हम लोगों ने तो अनमर्ज करने के बाद उसकी इंडिविजुअल ब्रांच से फ्लो होने वाली सप्लाई करेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप देख लेते हैं जरा कैसे कैलकुलेट होगा सोनाज इक्वीआर टू बाई जेड टू तो देखिए वी आर एम एस टू और वी आर एम एस थ्री हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है तो बस वैल्यू डालते जाना है यहां से so अपॉन z2 जो यहां फाइंड आउट करके रखा हुआ है दैट इज 157.079 तो इसको सॉल्व कर लेंगे आई आर एम एस टू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज 11.224 अपॉन वन तो इससे वैल्यू मिल गई जीरो पॉइंट जीरो सेवन वन एम्पियस की सेम वे में आई आर एम एस थ्री भी निकाल लेते हैं दैट इज वी अपॉन जेड थ्री थर्ड ब्रांच की इंपिडेंस और थर्ड ब्रांच की वोल्टेज का कॉम्बिनेशन ठीक है तो थर्ड ब्रांच की जो वोल्टेज है वो तो बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट जो सेकेंड ब्रांच की वोल्टेज थी उससे तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं देयरफोर आई आर एम एस थ्री इज इक्व टू इलेवन पॉइंट टू टू फोर अपॉन Z3 थ्री दैट इज थ्री वन एट थ्री पॉइंट जीरो नाइन एट तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में सो दिस बिकम्स इलेवन पॉइंट टू टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री वन एट थ्री पॉइंट जीरो नाइन एट सो नाउ द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस थ्री इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव ठीक है तो जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था कि वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ब्रांच करंट भी बतानी है तो वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया देखिए आई आर एम एस टू आई आर एम एस थ्री और आई आर एम एस वन जो है वो पहले से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है दैट इज आई टोटल ठीक है तो तीनों ही ब्रांच करंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है आई आर एम एस वन भी यहाँ पे अवेलेबल है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव एमपियर आई आर एम एस टू जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन वन एमपियर और आई आर एम एस थ्री जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव एमपियर्स ठीक तो आइए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं देखते हैं उसमें क्या कैलकुलेट करना है हमको क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन द गिवन सर्किट तो पावर फैक्टर फाइंड करने का एक ही तरीका phi r z. इस क्वेश्चन के गिवन डेटा के अकॉर्डिंग इन आवर थर्ड पॉइंट पावर फैक्टर कॉस फाइव शुड बी इक्व टू टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इंपिडेंस ऑफ द सर्किट दे आर फोर कॉस फाइव शुड बी इक्व टू या कॉस फाइव को भी हटाते हैं सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सर्किट का तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते अवेलेबल नहीं है तो अगर मुझको टोटल रेजिस्टेंस लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा हंड्रेड ओम्स और जो Z टोटल मुझको लिखना है उसको मैं लिखूंगा थ्री वन एट सॉरी थ्री टू नाइन फाइव थ्री डबल नाइन ओम्स तो अब मैं लिखूंगा कॉस फाइव इज इक्व टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय थ्री टू नाइन फाइव पॉइंट थ्री डबल नाइन ओम्स देयर फोर कॉस फाइव यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू निकल के आएगी इससे हंड्रेड अपॉन थ्री टू नाइन फाइव पॉइंट थ्री डबल नाइन will be equal to 0.030 ये मिल गई मुझको पावर फैक्टर की वैल्यू सिंस जो मैं फेजर डायग्राम करूंगा उसमें इस पावर फैक्टर की अभी फिलहाल मुझको जरूरत नहीं है मुझको तो इंडिविजुअल ब्रांच पावर फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसलिए मैं यहां पे फाइव अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं ठीक है तो अब इसके बाद क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलते हैं ये वाला जो पावर फैक्टर है इसकी जरूरत अब पड़ने वाली है आपको फोर्थ पार्ट में तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में इन आवर फोर्थ पार्ट वी हैव बीन आज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिसिपेटेड पावर इन द सर्किट पावर कितना डिसिपेट हो रहा है वो फाइंड करना है तो हम लोगों ने एसी के स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था कि डिसिपेटेड पावर ऑलवेज जब तक अलग से डिफाइंड ना हो तब तक आपको हर बार जो पावर फाइंड करना है दैट शुड बी ट्रू पावर या एक्टिव पावर जिसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्व टू वी आई कॉस फाइव और वी और आई दोनों आर एम एस फॉर्म में होने जरूरी है तो आइए उसी वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो डिसिपेटेड पावर पी इज इक्व टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस इन टू कॉस फाइव ये इसका फॉर्मूला होता है तो वी आर एम एस की वैल्यू क्वेश्चन में ये तीनों ही वैल्यू उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे जो आएगा दिस विल बी द टोटल एक्टिव पावर ऑफ द सर्किट तो टोटल पावर शुड बी इक्वल टू 250 फिफ्टी इन टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो नेट पावर इज जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू वॉट्स या आ गया इस सर्किट का पूरा नेट पावर डिसिपेटेड ठीक है तो ये पूरी सर्किट का ओवरऑल नेट पावर है अब लास्ट पार्ट में चलते हैं जो कि सबसे बड़ा पार्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ फेजर या ड्रॉइंग ऑफ फेजर ठीक तो अब सिंस हमारे पास तीन अलग अलग ब्रांचेस हैं तो जो फेजर हम लोग करेंगे उसकी कैलकुलेशन भी तीनों ब्रांचेस के टर्म्स में होनी चाहिए तो फेजर डायग्राम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रांच वन से सुनाओ फॉर ब्रांच वन हमको चाहिए वी एम वन तो अब वी एम वन निकालने से पहले आपको वी आर एम एस वन भी फाइंड आउट करना है ठीक है तो मैं डायरेक्टली यहां पहले लिख देता हूं वी आर एम एस वन इज इक्वी टू आई टू जेड आई आर एम एस वन पता है हमको और जेड वन भी पता है आई आर एम एस की वैल्यू निकली हुई है और हैन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है थ्री वन फोर फाइव पॉइंट सेवन थ्री नाइन फोर फाइव पॉइंट सेवन थ्री नाइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं वोल्टेज मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव इन टू थ्री वन फोर फाइव पॉइंट सेवन थ्री टू थर्टी फाइव पॉइंट नाइन थ्री जीरो मिल गया वी आर एस आर एम एस वन लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल हमको वी एम वन चाहिए तब तो इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू थर्टी फाइव पॉइंट नाइन थ्री जीरो इंटू रूट टू सो दिस इज ट्रिपल थ्री पॉइंट ये हमारे काम की वैल्यू है तो वी में आई एम वन फाइंड कर लेते हैं तो आई एम वन इज इक्वल टू आई आर एम एस वन जिसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग रूट टू से तो दिस इज जीरो पॉइंट वन जीरो सिक्स आई एम वन भी आ गया बस कॉस फाइव वन निकाल लेते हैं तो दैट इज आर वन अपॉन जेड वन ठीक है तो जेड वन की वैल्यू थ्री वन फोर फाइव पॉइंट सेवन थ्री नाइन पॉइंट सेवन थ्री नाइन तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू तो मिल गई कॉस फाइव वन इज इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन देयर फोर फाइव वन इज इक्व टू क्योंकि हमको फेजर ड्रॉ करने के लिए फेज डिफरेंस एंगल पता करना जरूरी है तो फाइव वन ड्रॉ निकाल लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं शुड बी कॉस इन 0.031 तो जिससे फाइव की वैल्यू मिल गई 88.223 डिग्रीज ये कैलकुलेशन फर्स्ट ब्रांच का हो गया अब चलते हैं सेकंड ब्रांच पे ठीक है तो चलते हैं सेकंड ब्रांच के कैलकुलेशन पे तो सेकंड ब्रांच में हम लोगों को फिर से वैल्यू चाहिए वी एम टू की वैल्यू तो सिंस हम लोगों ने वी आर एम एस टू और थ्री तो पहले ही निकाल कर रखा हुआ और देखा हुआ है कि दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो बस करना कुछ नहीं है जो वी आर एम एस टू की वैल्यू है उसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी आर एम एस टू की वैल्यू चलिए देख लेते हैं कितनी दी हुई है इट इज़ इलेवन पॉइंट डबल टू फोर सो इलेवन पॉइंट डबल टू फोर को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ रूट टू से जिससे जो वैल्यू आएगी वी एम टू की दिस विल बी फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन थ्री वोल्ट इन द सेम वे आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एम टू मैक्सिमम करंट इन सेकेंड ब्रांच तो सेकेंड ब्रांच की जो करंट जा रही है वो आई आर एम एस टू मैंने कहीं निकाला हुआ है ये वैल्यू है 0.071 इसको मैं रूट टू से फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.071 पॉइंट सेवन वन इंटू रूट टू सो ये वैल्यू मिल गई जीरो पॉइंट एंड सेम वे में फाइव इज इक्व टू कॉस इन आर बाई जेड तो जीरो डिग्री का फाइव मिल रहा है हमको यहाँ पे क्योंकि आर की वैल्यू नेट हम तो जीरो है वहाँ पे ठीक है तो जीरो अपॉन जेड करके हमको ये फाइ की वैल्यू मिल रही है तो इसको भी जरा मैं लिख देता हूं कॉस इनवर्स तो Z2 की वैल्यू जो हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है वन फिफ्टी पॉइंट जीरो नाइन इससे मिल रहा है जो फाइव दैट इज एट 90 डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ठीक है तो थर्ड ब्रांच लास्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं तो तो देखते हैं हम लोग इसमें VM3 की value, तो VM3 के लिए भी हमको मल्टीप्लाई करना है और वी आर एम एस थ्री और वी आर एम एस टू बोथ वे सेम तो जो वी एम टू है वो भी एग्जैक्टली exactly सेम होगा वीएम थ्री जैसा तो वी एम थ्री विल बी इक्वल टू एट सेवन थ्री पॉइंट एट सेवन थ्री वोल्ट अब बस यहाँ पे हमको आई एम थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई आर एम एस थ्री की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है बस उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट टू को ठीक तो है तो आइए देखते हैं आई एम थ्री की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड जो की है इससे पहले आई आर एम एस थ्री जो फाइंड किया है जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ रूट टू से तो इससे आई एम थ्री की वैल्यू मिल गई जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर एम्पियर्स सेम वे में मैं निकालूंगा कॉस्ट वाइज इक्वल्स टू आर बाई जेड और इसके कंडीशन में भी हमारे पास आर की वैल्यू नेट आर इज जीरो पर्टिकुलर ब्रांच में तो आप चाहे तो पुट कर सकते हैं चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं कॉस फाई की वैल्यू सो so, मैं सीधे सीधे फाई निकाल लेता हूं कॉस इनवर्स आर बाई जेड दिस शुड बी इक्व टू कॉस इनवर्स जीरो डिवाइडेड बाई जो भी जेड लिखा हुआ उस ब्रांच का दैट इज थ्री वन एट थ्री पॉइंट जीरो नाइन एट एंड दिस वैल्यू शुड बी जैसा आना था इस वैल्यू को 90 डिग्री एग्जैक्टली सेम 90 डिग्री वैल्यू आ गई ठीक है तो ये हर बार आपको ये वैल्यू आर बाई जेड की पुट करने की जरूरत नहीं है अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन के हिसाब से 90 डिग्री ही आएगी वैल्यू अब लास्ट स्टेप ये जो डेटा आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है अब इसके बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं फेजर डायग्राम तो आइए यहाँ पे मैं एक सेक्शन को रब करने वाला हूँ मिटा देता हूँ यहाँ से और उस पर हम लोग लिखेंगे Draw करेंगे कि फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस ओवरऑल कैलकुलेटेड डेटा ठीक है तो 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 आइए आइए देखते हैं हैं करके ठीक है तो अब इसका complete कर लेते हैं हम लोग जल्दी से वैल्यू ऑफ वी एम वी एम के लिए वीएम वन के लिए हम लोगों ने ये फेजर का सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है देख लेते हैं यहां से वीएम वन की वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स डबल फाइव वोल्ट ठीक है ये वीएम वन की वैल्यू है इन द सेम वे वी एम टू और वी एम थ्री को भी ट्रेस कर लेते हैं दोनों ही वोल्टेजेस की वैल्यू पीक वोल्टेजेस की वैल्यू बिल्कुल तो तो में बहुत कम है इसलिए हम लोग यहां कहीं पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं वी एम टू इक्व टू वी एम थ्री दैट इज इक्विटी एट सेवन थ्री ये तो वोल्टेजेस को ट्रेस कर लिया अब इनके रिस्पेक्ट में इनकी करेंट्स को ट्रेस करते हैं तो अगर करेंट्स को हम लोग ट्रेस करने वाले हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आपको ये पता होना चाहिए किस कंडीशन में करंट लीड कर रही है और किस कंडीशन में करंट लैग कर रही है ठीक है तो क्वेश्चन पे एक बार फिर से वापस आ जाते हैं आप देख लीजिए इंपिडन सेक्शन Z1 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ अगर इंडक्टर है तो इस कंडीशन में करंट शुड आइडियली लैग फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज बाई नाइन्टी डिग्री तो सप्लाई वोल्टेज से अगर करंट लैग कर रही है तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ब्रांच के कंडीशन में फाइव कितना कैलकुलेट हुआ है तो आप देख सकते हैं फाइव वन की वैल्यू है एटी एट पॉइंट डबल टू थ्री डिग्रीज तो इतने डिग्री से करंट आई एम वन शुड लैग फ्रॉम वी एम वन ठीक है आई एम वन की मैग्नीट्यूड जीरो पॉइंट वन जीरो सिक्स एम्पियस तो जीरो पॉइंट वन जीरो सिक्स एम्पियर्स को यहां कहीं पर ट्रेस करेंगे वैसे तो इसकी करंट की मैग्नीट्यूड इतनी कम है कि लाइन को बहुत छोटे सेक्शन से मुझको और ज्यादा छोटे सेक्शन से शो करना चाहिए लेकिन आपको वो विजिबल नहीं होगा तो हम लोग इसको इस फॉर्म में से शो कर रहे हैं Therefore, IM1, इसकी लिख लेते हैं जीरो पॉइंट ठीक है और फेज एंगल फाइव वन इस कंडीशन में होगा एटी एट पॉइंट डबल टू थ्री डिग्रीज ठीक इन द सेम वे आई एम टू और आई एम थ्री को भी ट्रेस कर लेते हैं तो आइए देखते हैं आई एम टू की वैल्यू जीरो पॉइंट वन डबल जीरो आई एम थ्री की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर उससे भी छोटी वैल्यू तो आई एम टू इस ब्रांच के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है देयरफॉर करंट शुड अगेन लैग फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज तो आई एम टू कितने डिग्री से लैग कर रहा है देखिए उसका फाइ दिया हुआ है नाइन्टी डिग्री तो एग्जैक्टली यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग आई एम टू आप चाहें तो इस फेजर डायग्राम के साइड पे भी इन सभी की नेमिंग करके आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं जरूरी नहीं है अगर यहां पे स्पेस नहीं है तो आप यहां पे वैल्यू मत लिखिए आप वैल्यू अलग से पुट कर लीजिए ठीक है तो आई एम टू की वैल्यू है आई एम टू इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट वन डबल जीरो एम्पियर्स ठीक है और इसका फेज एंगल फाइव टू जो होगा फाइव टू इज नाइन्टी डिग्रीज एंड लास्ट फेजर ड्रॉ करेंगे हम लोग फॉर कैपेसिटर कैपेसिटर की कंडीशन है तो ब्रांच थ्री में करंट शुड लीड फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज तो लीडिंग कंडीशन में और वो भी फाइव की वैल्यू नाइनटी डिग्री है तो लीडिंग कंडीशन में हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं आई एम थ्री इसकी मैग्निट्यूड लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर पॉइंट जीरो जीरो फोर और इसको लीड करता हुआ शो करेंगे बाई नाइनटी डिग्रीज ठीक है तो ये ओवरऑल फेजर हो जाएगा ओमेगा टी रेडियंस के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉक डायरेक्शन शो करता हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो ये था हमारा बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर सीरीज कंबाइंड सर्किट ठीक है सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि सीरीज पैरल कंबाइंड को कैसे अप्रोच करना है सीरीज को कैसे अप्रोच करना है और सीरीज पैरल कंबाइंड के से पहले पैरल सेक्शंस को कैसे अप्रोच करना है तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन बन जाए और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं so our module number 2 has been completed up on this particular video so uh, stay with us very soon we are going to work upon our module number 3 and you are going to get some new videos on third module that is three phase ac circuits till then thank you very much keep connected with gate academy plus thank you